أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I hope you are fine and doing great. In this video we will discuss the paper of Kanal Patwari held by PPSE on 29th October 2023. This is the third part of the video related to Kanal Patwari. We start 41 questions. Call on एक phrasal verb है. इसका मतलब होता है to visit a person for a short period. जब आप किसी शख्स को मिलने जाते हैं एक short period के लिए तो आप call on का word use करते हैं. Call on as a phrasal verb use करते हैं. वैसे just अगर call करते हैं तो call का मतलब होता है बुलाना, जबकि call on का मतलब होता है मिलने जाना. अगर call के साथ आप at use करते हैं तो इसका मतलब होता है to visit a place. जब आपने विजिट करना हो किसी प्लेस का वहाँ पे कॉल एट. और नेक्स्ट होता है जी कॉल फोर्थ. कॉल फोर्थ का मतलब होता है स्टिमुलेट द फीलिंग्स, जज्बात को उभारना. उसके लिए हम कॉल फोर्थ का वर्ड यूज़ करते हैं. जब कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन चेंज कर देते हैं और फॉर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है डिमांड, मुतालबा करना, तकाजा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है 42. मोस्ट यूजिंग फार्मूला इन एम एस एक्सेल में जो फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो सम है, और एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट पे मुश्तमिल होता है. बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं इसमें, ठीक है. नेक्स्ट है कि वाटर प्योरिफिकेशन किस प्रोसेस से होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. इसके अलावा वाटर प्योरिफिकेशन के लिए आप क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं. वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो प्रोसेस है ये वाला, मतलब वाटर को साफ करने का, रिवर्स ऑस्मोसिस है. फिर नेक्स्ट है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स. तो नेक्स्ट है 45. ही इज़ गुड एट स्नोकर. तो गुड के साथ एट आता है प्रोफिशिएंट अगर आ जाए. प्रोफिशिएंट का मतलब भी माहिर होना होता है, तो प्रोफिशिएंट इन होता है, जबकि वीक के साथ भी इन होता है, यानी ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में वीक है. नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन. व्हेन इंडिया एनेक्स्ड जूनागढ़. नेक्स्ट होता है किस चीज़ को ज़बरदस्ती अपने साथ मिला लेना या कब्ज़ा कर लेना. तो जूनागढ़ को फरवरी 1948 को इंडिया ने एनेक्स कर लिया था, और इंडिया ने कश्मीर को एक्सेप्ट कर लिया था 26 अक्टूबर 1947 को. महाराजा ने कश्मीर के साथ, कश्मीर का इलहाक जो है वो इंडिया के साथ कर दिया था. अब 26 अक्टूबर 1947 और 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर गवर्नमेंट भी बनी थी. नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, हु वाज वायसराय एट द टाइम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस दौरान इंडिया का वायसराय कौन था. उस टाइम इंडिया का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो. ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट पीरियड है एज ए वायसराय. 1936 में बने थे और 44 तक रहे थे, और सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1939 से स्टार्ट हुई थी और 1945 तक ये कंटिन्यू रही थी. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1919 में स्टार्ट हुई थी. तो इसमें मज़ीद देख लें इम्पोर्टेंट्स जो वायसराय रहे हैं इंडिया के. उसमें लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905. इसका मशहूर जो है डिवीज़न ऑफ बंगाल हुई थी इसी के पीरियड में, याद रखना है. इसका पीरियड है 1899 से 1905. फिर इसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो मार्लेस. रिफॉर्म्स हुई थी 1909 में, इसमें मुसलमानों को पहली मरतबा इलेक्शंस का हक दिया गया था, वोट का हक दिया गया था. फिर लॉर्ड हार्डिंग है 1910 से 1916. इसके पीरियड में एक तो दो मशहूर वाक़यात हैं, एक तो 1911 का वाक़य है, रिलैक्सेशन ऑफ एनलमेंट ऑफ डिवीज़न ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम को 1911 में मनसूख कर दिया गया था. एक तो ये कौन सा पीरियड चल रहा था लॉर्ड हार्डिंग का. इसके अलावा 1916 में वायदा लखनऊ हुआ था, ठीक है,
और नेक्स्ट है हमारे पास क्लिम्स फोर्ड। क्लिम्स फोर्ड का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 1916 से है, मुझे चेक कर लीजिएगा इसको, 1916 से स्टार्ट होता है और 21 तक रहता है। इसमें मिंटो मार्ले क्लिम्स फोर्ड रिफॉर्म्स हुई थी, जिसमें डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डायरकी भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन का मशहूर है कि 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, क्योंकि गांधी ने 1930 में अदम तआवुन की तहरीक शुरू कर दी थी, ठीक है, वो उसके खात्मे के लिए ना इनके दरमियान मुआहदा हुआ था। फिर लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट है 1858 से 1622 तक। फिर यह है कि लॉर्ड वेवल है 1945 से 47 तक। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं जो के लास्ट भी थे जी, इसे लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 तक रहे। नेक्स्ट है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फेक्टेड इन। इंडिया जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब असल में तो इंडिया और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को ही अलहदा हुए थे और क़ायदे आज़म बने थे गवर्नर जनरल 11 अगस्त 1947 को, और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो प्रेसिडेंट बने थे वो 10 अगस्त है। ये थोड़ा इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने याद रखना है कि 10 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के वो बने थे, हेड बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, जबकि 11 में वो गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वारसक डैम लोकेटेड है काबल रिवर पे है, जो कि काबल के पी के का रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ के पी के से कहते हैं। फिर मंगला रिवर पे, मंगला जो डैम है वो झेलम रिवर पे है। त्रिमिला डैम जो है इसको लार्जेस्ट अर्थ फील डैम इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वो इंडस रिवर पे है, ये 1976 में कम्प्लीट हुआ था। कालाबाग डैम वो भी इंडस है, गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट इंडस रिवर पे है। इंडस रिवर की तकरीबन लेंथ जो है वो है 3100 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ बनती है वो है, और इसको हम फादर ऑफ रिवर भी कहते हैं, नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं इंडस रिवर को। और जो लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम है वो थ्री गॉर्जियस डैम है। नेक्स्ट है कि सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये फोंट इफेक्ट्स होते हैं, इनको हम फोंट इफेक्ट्स कहते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन जब डालेंगे, यानी कंट्रोल प्रेस करेंगे उसके साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और प्लस का प्रेस करेंगे तो आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अगर सबस्क्रिप्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कि रिमूवल अगर आपने करना हो सुपर स्क्रिप्ट को और सबस्क्रिप्ट आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे। ऑटो सेव 10 मिनट्स के बाद डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है आपका। और एक सवाल था कि कैद आज़म क्या है, तो कैद आज़म खताब है, टाइटल इसे कहते हैं। खताब होता है जो किसी कौम की तरफ से उसे दिया जाता है। अगर आप शॉर्टकट की, नेक्स्ट था कि पेज प्रिंट प्रीव्यू की आप शॉर्टकट की बताएं तो कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस F2 पेज। और जस्ट अगर F2 पूछता है तो हम रीनेम द फोल्डर होता है विंडो में, आप वो या आप फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कि डिफ़ॉल्ट पेज साइज क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पेज साइज वो रेगुलर होता है। अगर वो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पूछता है तो वो होती है जी पोर्ट्रेट। अगर वो पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन पावर पॉइंट तो वो होते हैं जी लैंडस्केप। दो ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। नेक्स्ट है गटन मार्जिन, हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई बुक की बाइंडिंग करनी हो, बुक के लिए यानी उसको बाइंड करना हो तो उसके लिए हम गटर मार्जिन यूज़ करते हैं।
एब्सोल्यूट फार्मूला के लिए हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, वायरस ओरेकल, ओरेकल वायरस नहीं है, ओरेकल एक लैंग्वेज है, अवास्ट एक वायरस है, तो आपने याद रखना है कि अवास्ट क्या है, वायरस है। इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया। इसके अलावा अगर टच स्क्रीन का कहता है तो वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, वो याद रखना है कि जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। माउस को डगलस ने इन्वेंट किया था। कीबोर्ड हम क्वालिटी यूज़ करते हैं, जिसकी की जो होती हैं 104 होती हैं। इसमें टॉगल कीज़ होती हैं जिनको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे कैप्स लॉक हो गया, नमल हो गया, जबकि दूसरी की होती हैं मॉडिफायर की होती हैं या कंबाइंड की, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, आल्ट, यानी जिनको हम अलहदा प्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईडियम था कि वोल्ट फ्राई का मतलब होता है टू गिव फास्ट अलार्म, और फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी वैसे नॉर्मल जो होती है 1.44 MB होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।